सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ फिर से शुरू करने की अनुमति देने के बाद पहली बार पिंपरी चिंचवड़ शहर के चिरौली स्थित बागेश्वर मंदिर बैलगाड़ी घाट पर दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान शहर अध्यक्ष और भाजपा विधायक महेश लांगी की प्रमुख उपस्थिति रही। इस प्रतियोगिता में कई किसान और बैलगाड़ी शौकीनों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को देखने आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर लगी रोक हटाने की मांग कई सालों से चली आ रही थी और इस दौड़ को फिर से शुरू करने को लेकर कई लोगों ने न्यायपालिका में गुहार लगाई थी। चिरौली गांव और बैलगाड़ी संगठन की ओर से विधायक महेश लांगे का सत्कार किया गया। इस दौड़ के दौरान विधायक महेश लांगे ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। महेश लांगे ने कहा कि राज्य में अब बैलगाड़ी दौड़ शुरू हुई है, लेकिन उन्होंने किसानों से सभी नियम कायदों का अनुपालन करने की अपील की। बैलगाड़ी दौड़ के आयोजकों ने कहा कि शीर्ष न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद राज्य के कई हिस्सों में, विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, जहां बैलगाड़ी दौड़ की 400 साल पुरानी परंपरा है, एक बार फिर लोगों को इस खेल का रोमांच देखने मिल रहा है। बरच वर्षानंतर तशी या चिरौलीची परंपरा आहे, वागेश्वर महाराजांच्या उत्सवानिमित्त या ठिकाणी कुस्तीचं मैदान, बैलगाडा शर्यत किंवा जे सांस्कृतिक जे परंपरेने आलेले सगळा उत्सव हा इथले ग्रामस्थ फार मोठ्या उत्साहाने करत असतात। मध्यंतरीच्या काही बऱ्याच वर्षापासून बैलगाडा शर्यतीला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार बंदी होती, स्थगिती होती, त्या अनुषंगानं बरेच वर्ष या ठिकाणी बैलगाडा शर्यत झालेली आहे। ज्यावेळेस बंद झाली तेव्हा या चिरौली ग्रामस्थांनी मला वाटतं 2014 रस्ता रोको केला होता। तिथे सगळे बैलगाडे घेऊन रस्त्यामध्ये उभे राहिले होते। आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती, आपली परंपरा जपण्याचं काम या गावातल्या ग्रामस्थांनी, सगळ्या समाजाच्या ग्रामस्थांनी मनापासून केलं। आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार काही नियमाच्या अधीन राहून ही स्पर्धा चालू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, 20 आर्स न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।